बड़ी खबर समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय से आ रही है, जहां शनिवार की दोपहर कोर्ट में पेशी के लिए मंडलकार से आए कैदी पर 3 की संख्या में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाया है, जिसमें कार से पेशी के लिए आए कैदी चकमेहसी थाना क्षेत्र के चकहेदर निवासी प्रभात चौधरी व मुफसिल थाना के दुधपुरा निवासी प्रभात तिवारी को गोली लगी है। घटना के बाद पूरे न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष विक्रमाचार्य दल बल के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे। वहीं दोनों जख्मी को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। चिकित्सकों के द्वारा सदर अस्पताल में दोनों का इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं कोर्ट कैंपस में लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुटी है और अपराधी की पहचान की जा रही है। जिला पुलिस कप्तान विनय तिवारी ने बताया कि शराब और हथियार मामले में प्रभात चौधरी और उनके सहयोगी जेल में थे और पेशी के लिए कोर्ट आए थे। पूर्व में भी शराब को लेकर फायरिंग हुई थी। कोर्ट कैंपस में गोलीबारी की घटना भी शराब माफियाओं से जुड़ा बताया गया है। वहीं न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी आम लोग और वकील ने सवालिया निशाना खड़ा किया है। बताते चले कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी कोर्ट में विधान प्रखंड के मुखिया राजद के चर्चित नेता अशोक यादव पर फायरिंग परिवार न्यायालय में किया गया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। बहरहाल पुलिस घटना के बाद सदर अस्पताल और न्यायालय परिषद को छावनी में तब्दील कर दी है और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। देखिए, पुलिस हमारा जो है जिला प्रशासन केवल शराब पकड़ने में लगा हुआ है, अपराधी पर वो कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। आज बंदी पर गोली चली है, कल हमारे एडवोकेट पर गोली चलेगी। प्रशासन की कोई मुस्तैदी नहीं है, ये कंप्लीट प्रशासन का दोष है। इतना प्रशासन के बीच में वो मेरा क्लाइंट है प्रभात चौधरी, जी उसका टोटल केस मेरे पास है। जी अभी मैं जस्ट उससे मिल के आया था, बस डेट था वो तारीख दे के नीचे आया और बड़ी आराम से आके और उसको गोली मार दिया। उसके गोली थाई में लगी है और एक उसके साथ जो वो कैदी था उसके हाथ में गोली लगी है। एक पुलिस वाले हैं लंबे में, नाम नहीं जानता, उनका रोल बहुत अच्छा है, अदरवाइज वही जान बचा है। कुछ दिन पहले एक कुख्यात शराब माफिया था प्रभात चौधरी, उसको हम लोगों ने 6 महीने की जो कड़ी मशक्कत थी और सर्विलेंस के बाद टेक्निकल टीम की मदद से एसटीएफ की मदद लगी थी उसमें, और उस कुख्यात माफिया शराब माफिया को प्रभात चौधरी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। उसी के केस की सुनवाई चल रही थी और उसका उपस्थापन था, तो आया हुआ था कोर्ट कैंपस के अंदर। उसी क्रम में 4 अज्ञात अपराधी आए थे और उनके द्वारा प्रभात चौधरी को ही टारगेट कर करके फायरिंग की गई है। उसके पैर में गोली लगी है, वो स्थिति उसकी सुरक्षित है, वो किसी भी तरह की उसमें चोट जो है वो गंभीर नहीं है, और उसके साथ में एक और व्यक्ति को चोट लग गई है, लेकिन गोली लग गई है, लेकिन जो मेन टारगेट था वो प्रभात चौधरी था। तो जो इसका एक शराब माफिया का एक नेक्सस चलता था, जिसको हम लोगों ने तोड़ा था कुछ समय पहले ही, तो जैसा सूचना अभी तक प्राप्त हो रही है कि इन्हीं के शराब माफिया का जो नेक्सस था, उसी के कुछ साथी जो पहले उसके साथ काम करते थे और अब उन्होंने अलग गैंग बना लिया है, उनके द्वारा ही ये टारगेट किया गया। या कुछ आप जब प्रभात चौधरी को पकड़ा था तो कुछ मैनुअल इनपुट हम लोगों ने भी लिया था, तो इसी शराब के जो सिंडिकेट था इसमें प्रभात चौधरी को गोली लगी है और कुछ शराब माफियाओं के द्वारा ही जो उसके साथ काम करते थे, उनके द्वारा घटना करने की हम लोगों को उम्मीद है। और हम लोग को जो सर्वेलेंस वो बता रहा है, हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। कोर्ट कैंपस की सिक्योरिटी पूरी तरह सुदृढ़ है, यहाँ पर हम लोगों ने जो भी आवश्यक बदलाव करने हैं वो बदलाव भी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साहब से मुलाकात हो गई है और कोर्ट कैंपस के जितने अंदर वकील हैं और अन्य सभी लोग हैं, सभी लोगों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार यहाँ पर हम लोग रहेंगे। और जो बल का बदलाव करना है और अधिक बल का उपस्थापन यहाँ पर कराया जाना है वो भी हम लोग करा रहे हैं। और जिन अपराधियों ने घटना की है, पैदल आए थे, पैदल ही भागे हैं, तो गेट पर कुछ कमी हुई है। जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे उनके द्वारा अगर ससमय गेट बंद कर दिया जाता तो ये अपराधी भागने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि करीब 50 मीटर के आसपास, 30 से 40 मीटर के आसपास अपराधी पैदल चले हैं फिर भागे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही होगी उन पर कार्रवाई भी करेंगे और जो जिन लोगों ने गोली चलाई है उनको पकड़ करके सजा दिलाने का काम किया जाएगा। प्रभात चौधरी गोली लगी, वो भी सदर अस्पताल में इलाजरत है और टोटल 2 लोग घायल हुए हैं इसमें। पुलिस वाले का भी नाम? नहीं, पुलिस वाला कोई इसमें घायल नहीं है। पुलिस वालों ने बचाने का, पुलिस वाला जो पुलिस साथ में थी उसने पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं पकड़ पाए, लेकिन जो गेट जो पुलिस थी पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा बहुत तत्परता नहीं दिखाई गई कार्य में। उनके द्वारा अगर तत्परता दिखाई जाती तो ये घटना नहीं होती। इसकी भी हम लोग पूरी जांच करेंगे, एसडीपीओ साहब करेंगे इसकी पूरी जांच। और जो अपराधी मेन इसमें हैं, जो शराब का सिंडिकेट है, जो बड़ी मुश्किल से 6 महीने में प्रभात चौधरी पकड़ पाए थे हम लोग,
तो उसी का कुछ लग रहा है कि लड़के जो पहले साथ करते थे उन्हीं के द्वारा घटना की गई है। जल्दी वो भी पकड़े जाएंगे और कोर्ट भी जो सुरक्षा है उसको फिर से सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जो भी आवश्यक उपाय दिए जाने हैं अगले 7 दिन के अंदर वो उपाय हम लोग करेंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।